24 किलो की बिरयानी बना रहे हैं आज हम। मिस्टर नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही प्रोफेशनल कुक है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देखने के बाद। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार हो रही है। आई होप यू एंजॉय दिस। अदरक भी चोट मार के इसी में डाल देना है मसाले। वैसे मैं थोड़ा रोक के दिखाना है चाकू द्वारा। वैसे मैं अपना मोबाइल नंबर बताओ। 03112634314 यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निकले नहीं अभी। ये क्या नसीब भाई? नमक ये ले बोलो। सुशांत स्लो नहीं हो रहा। हाँ है ना, ये लगा दिया ना। नहीं एक और क्लिप चाहिए। हाँ हैगा। फिर टैप पर क्लिप लगेगा। बिरयानी में दम पे आनी रही है। अजीनो मोटो सिलेंडर हो गया। अजीनो मोटो सारे किलो में बनाना। थोड़े थोड़े बना ले बेटा, कटिंग करते हुए इसको बना ली। देख के
बच्चे दुकान का अलग है बच्चे खाना पकाते हैं ये अदरक लहसुन है जी भाई जलाया ना जब भी नोजल कोई सा भी लगाए नहीं मैं उसको बोल के लाया था मुझे एलपीजी का थे नहीं बारी के आता है अच्छा बारी के अपने हिसाब से सेट करते हैं कितनी अगर बड़ा सिलेंडर होगा तो ये सुराख और बारी रखना पड़ता है छोटा सिलेंडर है इससे छोटा सिलेंडर होगा तो और बढ़ाना पड़ेगा अरे इसके अंदर दम नहीं होता समझ गया जम रही है ना वाला नहीं है सही है बड़ा अबे क्या हो गया ये लौंग का हृदय में लौंग क्या आ गया हाँ लौंग कम है क्या हैं जब भी नहीं आएंगे ये ले ये दही आ गई सही है ये है 3 किलो एक पाव दही और दही कोई ना भाई रे मेरे पास ये ले यार तू ये 3 किलो केला काट दे सही है बाकी मसाले पूरे थे और सही मसाला बनाई ये हरी मिर्च का पेस्ट डाला है सही है 50 ग्राम मिर्च तो हाँ सही है इसमें दही डाल दी हाँ सही है थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ा सा जीरा नमक इसमें डाल के ढक्कन लगा के इसको मशीन में घुमा देना है तैयार हो सही है थोड़ी सी पत्तियाँ डालो खाली इसमें खाली ये रही पुदीने की पत्तियाँ डालो बेटा आधा रखो 2 किलो चावल है दही दादी गरीब बगैर मानो ही नहीं 2 प्लेटें मंगा के रखो स्टील ये कलर लगाया चला नवेद बेटा चिकन चटी आप ना खाली कर देता हूँ चावल घुमाने खाली हो जाएंगे ना जल्दी घुमा देंगे बोलो इसमें दही की थैली कितनी रबड़ खोलो ये 4 है एक थैली की रबड़ खोलो रबड़ हाँ नमक सही है थोड़ा उठा हुआ है लगता है ना फ्रिज की रखी हुई है इसलिए टाइम लगा जबी मैंने बोला कि आराम से डाल मसला नहीं आधा घंटा लेट कर ये अदरक भी चोट मार के इसी में डाल देना मसाले
कौन सा इंटरनेशनल स्टेशन दिया है तुम्हारे इसमें थोड़ा सा बेटा, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी। इससे ज़्यादा तेज दुकान पे रखा हुआ है, ये ढक्कन खोलूँगा ना तुम मैच जाओगे पूरा, तो मुझे भी तेज है तुम वो एसएससी वाला ना। हाँ एसएससी वाला ही है ये, मतलब कड़वा होता है ये। अगर नहीं ये कहाँ कड़वा होता है, लाल वाला कड़वा होता है भाई, इससे ज़्यादा कड़वा होता है वो। हम एक बोतल ना 1.5 लीटर में डालते हैं, 1.5 लीटर पानी में बनाते हैं एक बोतल चीज, वो चलता है वो बोतल डालेंगे तो 5 दिनों में ख़त्म, वो 20 दिनों में चलती है 1.5 लीटर। मिली सब काम कर लो, मेन काम मैंने तुम्हें बताया आखिर कहाँ पे नोक होती है, आखिर की नोक की। तो मैं आ गया देखो, उस्ताद ने रात को वही खड़ा करा मेरे को, पूरा काम करा हुआ यार, ये सवाल मैं आ रहा हूँ करता हूँ, इनको पता है चावल में नहीं डाल सकता वो चावल। आने वाले चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है ना, बस ठीक है, जैसी गल जाए फसाओ की सेटिंग करवा दें। आसिफ भाई बोला फसाओ की, बस गोश्त जैसे हो जाए चूल्हा जला देना, फसाओ का पूरे 7 बजे वो क्या ना क्या टाइम हो रहा है, 6 बजे है ना, 6:30 बजे चूल्हा जला, 6:30 से मैं इंशाल्लाह आपके पास 6:30 से 7:45 बजे पहुँच जाऊँगा। मेरे पास आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में फारिग हो जाऊँगा मैं काम से, ठीक है भाई इंशाल्लाह दे देंगे। आसिफ भाई को बोलेगा चूल्हे पास करें ना, चूल्हों पर देख लगी हुई सारी, ताकि चूल्हों पर आपके पास चूल्हे जलाते रहेंगे, चावल लग देंगे, ठीक है। चूल्हे मसन खाली करवा देगा तो देखे वगैरह जो भी सेटिंग करेंगे चार तो बोलेगा चूल्हे पर लगा दें। अगर उस भगोने के अंदर रखो टोकरी सीधा करके, वो जूते के नीचे बना रहे हैं कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वही ना कि ज़्यादा अपराध को नहीं बुला सकते, जिसने सोचा तो होगा 1000-1500 बुलाऊंगा लेकिन नहीं बुला सकते, तो 300 से ज़्यादा या 250 से ज़्यादा नहीं बुला सकते। हाँ पैसा भैया इसको क्या जाएगा, पैसा पता नहीं कब से जमा कर रहा है, बहुत पता है तो रोने की आदत पुरानी है ना। सारा कुछ जी बना था भाई, क्या जी चावल इसमें आएंगे
चावल ये तो तैयार है सब, ये कोरमा रेडी है। अभी चावल का पसाव लग रहा है, अभी पसाव जो है ना ये सिर्फ चावल बराबर बराबर जाएंगे सब में। जब चावल तैयार हो जाएगा ना बराबर बराबर चावल जाते रहेंगे सब में। नसीम भाई उस्ताद है भाई, ये कारीगर वाले नसीम भाई आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? 14 साल। आपकी और नसीम साहब आपकी उम्र क्या है अभी? 32। माशाल्लाह देखने में नहीं लगते। इसी तजुर्बे गुजार दिया आपने। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि नसीम साहब तकरीबन 16 साल से काम को अंजाम दे रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं तजुर्बे को किस महारत से बिरयानी को बना रहे हैं। हाँ तो बना रहे हैं बिरयानी। हाँ मैं बना दूँ, मेरे बना दूँ। नहीं आप जो घर में बनती बिरयानी आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये इनका बनाने का तरीके अलग है बिल्कुल। पौधे गाड़ी वाड़ी बिल्कुल ठप हो गया क्या यार? असल में हालात ही कुछ ऐसे हैं ना मार्केट के, वो क्या ठप हो गया? जल्ला नहीं जल्ला तो ये उस पर लगा देता हूँ। बहुत आसान है यार, मैं तो चला के छोड़ दिया था, चलाया भी था, चलाया भी था मैंने। तो गंजे कैसे एक्टिव कराए तुमने? वो जी वो जो मांगता ना एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मांगता है। एक साल तक तो फ्री है, एक साल फ्री चलाओ। बस मैं थोड़ा रोक के दिखाना है चाहूंगा। चलो
तुमने बनाया ना, दोनों तैयार करा, तुम बता रहे थे फैजान भाई को सब चलाया था मैंने।